व्यूअर्स आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से इलेक्शन कवर कर रहा है। एमसीडी इलेक्शन 2022 डेट्स बड़े हैं मगर पार्टी में हलचल है। लगातार लोग पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस बार ओखला में कुछ नया होने जा रहा है। एमसीडी इलेक्शन में जो नया चेहरा है, जो पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरकर MIM इस बार इलेक्शन को जा रहा है और लगातार उनके कार्यकर्ता सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा उनमें से एक कैंडिडेट जो है अफजल खान अफरीदी से। अफजल खान साहब, आप अपने बारे में ज़रूर बताइए उखला के लोगों को। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल खान अफरीदी है। मैं दिल्ली स्टेट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मेरी अहलिया सना खान यहाँ से कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारी सीट जो है वो लेडीज हो चुकी है, तो मेरी वाइफ यहाँ से कैंडिडेट हैं। अगर मजलिस ने चाहा इंशाल्लाह और पार्टी ने मुझ पर भरोसा करा तो यहाँ से हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह बताला MIM की सबसे पहली जीत हम इंशाल्लाह ओखला से देंगे। सदर कलीम उल हफीज़ साहब को के खाते में एक सीट हम डालेंगे सबसे पहले ओखला से, और बैरिस्टर रसूल बिलोजी साहब को भी यहाँ से खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग कैंडिडेट से जो टिकट मांग रही है, अभी टिकट मांग रहे हैं पार्टी से, देखते हैं आने वाले समय में अगर पार्टी टिकट देती है तो और भी कवरेज हम लगातार करके आप तक पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश है कि जो भी कैंडिडेट टिकट मांग रहे हों, सड़क पर हों, उनसे बातचीत किया जाए और सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।